पावर ऑफ पॉजिटिविटी, और ये बुक है डॉक्टर नॉर्मन बेंसो पील ने लिखी है 1953 में, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच के बारे में जो किताबें लिखी गई उनमें ये समझे कि ये नंबर वन है। 1953 में लिखी गई है, और इसका बैकग्राउंड ये है कि ये डॉक्टर नॉर्मन जो है, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक चर्च में पादरी थे और ये अमेरिका की हुकूमत में भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और अपनी इस किताब की वजह से ज्यादा पहचाने जाते हैं, अपनी मिनिस्ट्री की वजह से, अपनी पादरीशिप की वजह से नहीं पहचाने जाते, अपनी इस किताब की वजह से ये ज्यादा पहचाने जाते हैं। 1953 में इस बुक में इन्होंने पहले चैप्टर में लिखा है, पहले चैप्टर का टाइटल है बिलीव इन योरसेल्फ, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, मैं चाहूंगा कि आज उस पर बात की जाए। इन्होंने चैप्टर का आगाज इस तरह किया है कि 1950s में ये एक टॉक दे के निकले, एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, बहुत बड़े हॉल में टॉक दे के निकले, और उनको लोग मिलने लगे हैं, बाद में आके लोग स्पीकर से जब मिल रहे थे तो उनमें से एक नौजवान इनके पास आया और उसके कंधे यूं थे, बिल्कुल गिरे हुए कंधे, और उसने कहा कि नॉर्मन मैं एक नाकाम शख्स हूँ और मेरे में किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है, मैं हर वक्त डिस्ट्रेस रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैं जिस काम को हाथ डालता हूँ मैं उसमें नाकाम हो सकता हूँ। सो कामयाबी के उसके तसव्वुर में ये था कि मैं कामयाबी सोच भी नहीं सकता अपनी काबिलियत के हिसाब से, मैं अपनी जो मेरे अंदर काबिलियत है वो इस काबिल ही नहीं है, जो मेरे अंदर तालीम है, जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस काबिल ही नहीं कि मैं किसी भी काम में हाथ डालूं और मैं कामयाब हूंगा। नॉर्मन ये कह रहे हैं, प्रोफेसर ये नॉर्मन ये कह रहे हैं कि मैं उसको चंद लम्हे उसको देखता रहा हूं, सुनता रहा हूं, और मैं ये हैरान था कि ये शख्स कितना कितना ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार है, ये कितना ज्यादा टूट चुका है अंदर से। और उसने ये कहा कि मैं तुमसे, ये 40 साल का लड़का था, हमारी एज का लड़का था, और उसने कहा कि मैं तुमसे बाद में तो सिटिंग्स करना चाहूंगा, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ तजावीज अभी देना चाहता हूं कि पहले तुम ये समझ लो कि तुम जो जिस काम में भी हाथ डाल रहे हो उसमें खुदा की मर्जी है। याद रखें कि नॉर्मन क्योंकि पादरी थे तो इनकी इस किताब में भी बहुत ज्यादा तस्करा है खुदा का, अल्लाह का, रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन्होंने बहुत मजहबी जो पर्सपेक्टिव वो ज्यादा रखा हुआ है इस किताब में। सो इसके पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक आप देखेंगे। उसकी एक और वजह ये है कि अमरीकी कल्चर जो है उस जमाने में पनप रहा था, बढ़ रहा था, आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, जंग अजीम दोम खत्म हो चुकी थी और लोग थोड़ा सा सिविलाइज हो रहे थे। ये याद रखें खवातीन को भी वहां पे हकूक नहीं थे, ब्लैक्स को हकूक नहीं थे, तो ये मामले वहां पे भी चल रहे थे। सो उस तनाजर में अगर आप समझेंगे तो ये देखेंगे कि आप जो हमारी सोसाइटी है, हमारे मुआशरे में भी हम अभी इसी इर्तका एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम शायद मजहबियत को ज्यादा फोकियत देते हैं, हम हर काम में, और मैं ये समझता हूँ इसी हिसाब से ये किताब ज्यादा रेलिवेंट भी हमारी सोसाइटी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ज्यादा ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा मुताबकत रखती है, बिकॉज हमारी सोच भी ऐसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ये तो छोड़ चुके उस सोच को, ये तो आगे बढ़ गए और ये साइंटिफिक ज्यादा हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे दीन ने हमें ये एक बेस दी हुई है और ये शायद क्यामत तक रहेगी कि जहाँ हमारा ईमान जो है, हमारा जो बेस है सोच का, जो बेस है हमारी हमारी नीयत का, वो अल्लाह ताला की खुशनुदी है और दीन की खुशनुदी है। सो इसने जनाब इसको कहा कि तुम वो खुदा को सोचो, खुदा के बारे में खुदा से ताल्लुक जोड़ो, तुम चर्च आओ, मुझसे मिलो और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आगे कैसे करना है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर में आगे हम बढ़ें, और इसमें सबसे जो टाइटल इसने दिया हुआ है, इसने ये कहा है कि सबसे पहला जो आपने काम करना है वो है अपने पे एतमाद रखना है, अपनी एबिलिटीज पे एतमाद रखना है, कोई दूसरा आपको आपकी एबिलिटीज पे एतमाद करना नहीं सिखा सकता जब तक आप जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि आप में किसी किस्म की कोई काबिलियत है। सो अगर आप ये समझते हैं कि मैं नाकाम हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मेरे में खुद एतमादी नहीं है, तो यकीन करें जितना मर्जी बाहर से लोग आपको समझाते रहें, जब तक आप ये सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे कि आप भी किसी में किसी भी चीज में कामयाब हो सकते हैं, आप भी चांद सितारों पे कमेंट डाल सकते हैं, नोबडी कैन चेंज यू। सो पहला असूल इसने कहा है नॉर्मन ने, डॉक्टर नॉर्मन ने, कि जनाब आपको ये सीखना है कि आप एतमाद, खुद एतमादी रखें, अपने पे भरोसा रखें। उसने कहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो खुद एतमादी है, बेसिकली ये बुनियाद है, पहली स्टेप है कामयाबी की तरफ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको खुद एतमादी रखनी होगी। अच्छा, ये कहते हैं आप स्टूडेंट्स जो अगर मुझे सुन रहे हैं, जो ये लोग समझते हैं कि जी क्लासेस में कामयाब होना, ए ग्रेड्स लेना ही कामयाबी की जमानत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के किताब में शायद चौथे सफ़े पे ये लिखा है
जनाब जो बंदा आपकी क्लास में, जो स्टूडेंट आपकी क्लास में, जो क्लासमेट आपकी क्लास में सी ग्रेडर था ना, यकीन करें, कहता है वो, मैं बैट लगा के कह सकता हूँ कि वो जिंदगी के इम्तिहानों में ए ग्रेडर होगा, और अगर आप ए ग्रेडर हैं तो आप जिंदगी के इम्तिहानों में सी ग्रेडर होंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड मैं खुद भी ये देखा है अपनी जिंदगी में। मेरी क्लास फेलोज ए ग्रेडर्स थे, बड़े काबिल थे और क्लास में टॉपर्स थे। यकीन करें, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू अ मीडियोकर और एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। एज सच कोई उन्होंने कोई खास कामयाबी कंपैरेटिवली नहीं अचीव की, जो कि मेरे बहुत से ऐसे दोस्त जो कि सी ग्रेडर्स थे वो ज्यादा कामयाब हुए हैं, वो ज्यादा शोहरत पा गए हैं एज कम्पेयर टू दोस्त ए ग्रेडर्स। उसने कहा जनाब, ये इन्फ्रॉटी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सांसे कमतरी जो है, ये डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सॉरी, इसका ताल्लुक है आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी के साथ। आपने अगर खुद एतमादी की कमी होगी तो आप इन्फ्रॉटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। सो आपने इन चीजों को डिकपल करना है, अपने पे सेल्फ डाउट को खत्म करना है। अगर आप सेल्फ डाउट्स में रहेंगे तो आप कोई चीज नहीं कर सकेंगे दुनिया में, कामयाब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उसने कहा है कि जनाब, आप प्रेयर्स बड़ी बड़ी करें, बिग प्रेयर्स का वर्ड इसने इस्तेमाल किया पहले चैप्टर में, और ये कहा है कि बड़ी बड़ी दुआएं करें, अपने बारे बारे में बड़ी बड़ी उम्मीदें रखें कि मैं ये काम कर सकता हूं, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरों की रोल मॉडलिंग पे हमने टोनी रॉबिन्स के ऊपर कल भी बात की थी। टोनी रॉबिन्स ने भी ये कहा है कि आप रोल मॉडलिंग करें, अगर वो दूसरा बंदा पर्सन ए कर सकता है तो आप में किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, आपको तालीम लेनी पड़ेगी, आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी, बगैर उसके नहीं होगा। ये याद रखें कि आप उसके बगैर नहीं कर सकेंगे, उसके पीछे पूरा हार्डवर्क होगा, मेहनत होगी, उसके पीछे खून और पसीना होगा, तब जाके आप कामयाब होंगे। अच्छा, इसने कहा है कि जनाब, आप अपने फेथ, जो अपने पे फेथ रखते हैं ना, जो अपने पे ईमान रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो आप अचीव कर जाते हैं, वो आप उसको अचीव कर किए बगैर नहीं रुकेंगे कभी भी। उसने कहा जनाब, आप अपने ये जो प्रेयर्स है ना, अपने पे दुआएं करें, ये दुआ, क्योंकि ये पादरी था। उसने कहा कि आप अपनी दुआओं में अपने डाउट्स, जो आपको शुभात हैं, शक और शुभात हैं अपने ऊपर, उनको खत्म करने के लिए दुआएं करें, अपनी इनफ्रॉटीज को खत्म करने के लिए दुआ करें। असल मकसद इसकी इस बात का ये कि आप जब ताल्लुक जोड़ते हैं खुदा से, आप जिस मर्जी मजहब से हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यू हैं, लेकिन जब आप खुदा से ताल्लुक जोड़ते हैं तो आपको एक ऐसी सोर्स ऑफ पावर मिलती है, जो आप ये बिलीव करते हैं, आप ये ईमान रखते हैं कि जो डायरेक्टली आपको अल्लाह ताला दे रहा है, या आपको खुदा ताला दे रहा है, या आपको क्राइस्ट दे रहा है। सो इसने क्राइस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। इसने कहा है कि आप बार बार ऐसे आइडिया सोचें जो आपको खुद एतमादी दें, जो आपको खुद एतमादी दें, कि आप, फॉर एग्जाम्पल, हमने कल भी जिक्र किया था, हम ये टारगेट कर रहे हैं कि एक साल के बाद मैं ये अचीव करूंगा, एक साल के बाद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, एक साल के बाद मैं इस लेवल पे खड़ा होऊंगा, मैं 10,000 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, अभी मैं शायद 100 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं शायद 10,000 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। सो ये दैट इज द आइडिया, ये एक ऐसा आइडिया है जो मुझे या मेरे दोस्त को, मेरे कुलीग को खुद एतमादी देगा, आगे बढ़ने में मदद देगा। इसने कहा द एबिलिटी टू पोजेस एंड यूटिलाइज फेथ, ईमान को इस्तेमाल करने की जो कुवत है, दैट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ पावर, द सोर्स ऑफ स्किल्स एंड द सोर्स ऑफ परफेक्शन। आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लीज मुझसे सवाल पूछिएगा ताकि मैं एक दफा ये खत्म कर लूँ, पहला चैप्टर में आपके सवालों की तरफ आऊंगा। उसने जनाब ये भी कहा है कि जनाब, आज के दौर में, ये 1953 में किताब लिखी थी, और मैं समझता हूँ आज हमारी यूथ पे तो कम्प्लीटली ये किताब पूरी उतरती है। वो इस तरह उसने कहा कि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला नाकाम होने का, सबसे बड़ी वजह नाकाम होने की, या सबसे बड़ा मसला हमें एज अ इंडिविजुअल अंडर परफॉर्म करने का, हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो है कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी नहीं है। आप ये सोचते ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। यकीन करें, 3 हफ्ते पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं नहीं कर सकता, 5 हफ्ते पहले मैं नहीं कर सकता, मैं आके कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। उसकी वजह ये है, हमने कुछ, मैं इसके ऊपर ना अपने आप को एनालिसिस कर रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बोल सकता था कैमरे के आगे। मैं 200 लोगों के सामने तो बोल सकता हूँ, क्लास में, ऑडिटोरियम में, लेकिन कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल सकता? उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने आप को ये समझा है, उसकी वजह ये कि मैं उन लोगों की जो प्रेजेंस है, उनकी जो वहां पे मौजूदगी है, उससे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेता था, उससे सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेता था। अब आपको मैं देख नहीं सकता, आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख सकता, इस वजह से मुझ में खुद एतमादी की कमी है, कमी थी। दूसरी वजह मेरी ये थी,
कि मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आया. सो कैमरा इटसेल्फ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इटसेल्फ वाज हैविंग समथिंग फियरफुल, जो कि मुझे डराता था, जो मुझे एक सहमा देता था, सहम जाता था मैं कि यार मैं कैमरे के आगे कैसे बोलूंगा. लाइट्स का होना, ये लाइट मेरे सामने पड़ी, आई डोंट बॉदर नाउ. ये मेरे सामने अगर आप बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स भी लगा देंगे, आई विल नॉट बॉदर नाउ बिकॉज आई एम गेटिंग टू नो व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख रहा, लोगों की राय नहीं मैं समझ रहा, लोगों की बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा. सो उस क्लासरूम में मैं आई कॉन्टेक्ट करके जज कर लेता हूँ कि मेरी बात ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं इंटरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे वो काम नहीं हो रहा. उससे मेरा खुद एतमादी में कमी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टेकन इट ओवर. सो आप ये कर सकते हैं. उसने ये भी कहा जनाब, इसने कहा डॉक्टर काल हैं एक मशहूर बिहेवियरल स्पेशलिस्ट थे, अब तो वो हयात नहीं है, लेकिन इसने कहा कि वो कहते हैं कि एटीट्यूड जो है ना, आपका जो बर्ताव है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैक्ट्स. अगर आप नंबर्स भूल जाए, फैक्ट्स भूल जाए, आप फैक्ट करते हैं जी 40 साल से ऊपर जो बंदा है वो सीख नहीं सकता, या जो सीखने की उम्र है वो 20 साल है, लेकिन यकीन करें जो एटीट्यूड अगर आपका लर्निंग वाला है तो आप 70 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं. और ये तहकीक बताती भी है कि 70 साल की उम्र में भी लोग बुक्स लिखते हैं, लोग बड़े बड़े कारनामे करते हैं और PhDs करते हैं और सीखने का अमल जारी रहता है. उसने ये कहा है जनाब कि अगर आप सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस का जरा, उसने वर्ड यूज किया सीड ऑफ कॉन्फिडेंस, हर रोज डेली बुनियाद पे, वीकली बुनियाद पे अपने जहन में डालते हैं कि तुम कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं कुछ अरसे बाद पहुंच जाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे. उसने कहा कि अपने आप को ना सोचें, बड़ा सोचें, अपने आप को विजुलाइज करें कि आप एक बड़े मुकाम पे पहुंच चुके हुए हैं. डॉक्टर नॉर्मन कहते हैं जब तक आप वो नहीं करेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, आप बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच सके. आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप किसी वक्त एक कंपनी के सीईओ होंगे. आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप किसी वक्त 10,000 लोगों के सामने बात कर रहे होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे. ठीक है, जब तक आप ये विजुलाइज नहीं करेंगे, इमेजिन नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते. उसने ये भी कहा है डॉक्टर नॉर्मन ने कि जनाब ये सोचना बड़ा अहम है कि हर वक्त खुदा ताला आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, गॉड आपको देख रहा है, गॉड आपको नीचे नहीं गिरने देगा. ये सोच अगर आपके जहन में है तो आप में खुद इत्मादी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी. आप फील करेंगे कि मुझे मुझे ये इंसान, मुझे ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिकॉज खुदा ताला की जात मेरे साथ है. जनाब वो कहता है कि आपने जहन में हर वक्त ऐसी सोच को रखें जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रही है. याद रखें पहला चैप्टर है इस बुक का, वो है बिलीव इन योर सेल्फ. और बिलीव इन योर सेल्फ में ये कह रहे हैं डॉक्टर नॉर्मन कि आप अपने जहन में हमेशा उन सोचों को सोचें जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर बच्चों से मिलता हूँ, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं सकते. When they speak, they stammer, उनके अल्फाज टूटते हैं, जुबान लड़खड़ाती है, पसीने छूटते हैं, बोल नहीं सकते. मसला क्या है? उनको stammering का मसला नहीं है, उनको मसला कॉन्फिडेंस का है. ठीक है, सो मैं उनको ये अक्सर कहता हूँ कि आप पहले, तो पहला स्टेप तो ये कि आप पहले विजुलाइज नहीं कर सकेंगे आप अंग्रेजी बोल रहे हैं जब तक आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी. सो पहला स्टेप है कि आप अंग्रेजी बोलनी सीखें, उसके बाद अगला स्टेप है कि आप अंग्रेजी बोलने को इमेजिन करें, विजुलाइज करें. शीशे के सामने खड़े होकर आप विजुलाइज करें कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ और मुझे इतने लोग सुन रहे हैं. ये काम अपनी अपनी हम एजुकेशन के दौर में करते थे, पढ़ाई के दौर में करते थे कि आप, मैं जब बाहर पढ़ाता था, हम अक्सर जब अगले दिन प्रेजेंटेशन होती थी शीशे के सामने खड़े होकर बोलते थे. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. बहुत मुश्किल है अपनी आंखों में आंखें डाल के अपनी आवाज को सुनना, अपने चेहरे को देखना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नोट करना. इंसान में ये सेल्फ फियर होता है, सेल्फ इमेज, अपने इमेज की जो प्रोजेक्शन है उसको देखने का फियर होता है और वो बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा, डॉक्टर नॉर्मन ने कहा है प्रैक्टिस करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रैक्टिस करें बार बार. देखें ये कैसी स्किल है जो आप या मैं या कोई भी दुनिया का आदमी जो कॉन्फिडेंट है वो पैदा होके, उसके साथ पैदा नहीं हुआ, वो वक्त के साथ सीखा है. हर शख्स ने कॉन्फिडेंस पे काम किया है, कम्युनिकेशन पे काम किया, तब जाके वो सीखे हैं. सो जो बंदा आपके सामने टेलीविजन में, जो बंदा अच्छी एक्टिंग कर रहा है, जो स्टेज पे बोल रहा है, टोनी रॉबिन्स 2,00,000 लोगों के सामने बोल रहा है, तो आप क्या समझते हैं जब टोनी रॉबिन्स 12 साल का होगा वो 2,00,000 लोगों के सामने बोल सकता होगा? नहीं बोल सकता. सो उसने भी प्रैक्टिस की है, उसने भी सीखा है, वो सीखने में हमसे बेहतर है. हम पीछे रह गए बिकॉज हमें ये मौका नहीं मिला या हमारी ये सोच नहीं थी. आपकी ये सोच नहीं थी,
अब आप अपने आप को सोचें कि मैं 100 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने बोलूंगा, खड़ा होकर बोलूंगा, बात करूंगा, अंग्रेजी में बात करूंगा, या जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप जिससे डरते हैं, खौफजदा हैं, आप उसको विजुलाइज करें, आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, उसने कहा जनाब कभी भी अपनी जिंदगी में काउंसलिंग से पीछे ना हटें, मशवरे से। मशवरा किससे करना है? आपने हर उस बंदे से मशवरा नहीं करना जो आपके इर्द गिर्द है, मशवरा आपने उस बंदे से करना है जो आप समझते हैं कि वो एक्सपर्ट है। तो ये बंदा जो डॉक्टर नॉर्मन के पास आया है, वो डॉक्टर नॉर्मन के पास इसीलिए आया क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन उस जमाने का पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच का माहिर था। ठीक है, ये मिनिस्टर भी रहा हुआ है और ये आई थिंक किसी प्रेसिडेंट के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, रिचर्ड निक्सन के साथ, यस रिचर्ड निक्सन के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है, पर्सनल दोस्त भी रहे हैं और ये इनके साथ भी काम करते रहे जी। शुरू में हमारे जो यूएस के जो अभी करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके साथ भी ये काम करते रहे। अच्छा जी, मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट पे। इसने ये कहा जनाब अपने आप को पिक्चर करें सक्सेस में, पहले तो आप अपने आप को पिक्चर करें बोलने में, लेकिन जो आपने अल्टीमेट गोल रखा हुआ है उसमें अपने आप को विजुलाइज करें। आखिरी इसने पॉइंट इस चैप्टर में बड़ी जबरदस्त बात की और आई थिंक हमारे ईमान का खुलासा भी है, वो ये है कि आप ये सोचते हैं, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में भी जिक्र किया है कि जब ये कुन का जो जिक्र है हो जा और हो जाती है, जब आप ये सोच लें कि खुदा आपके साथ है, अल्लाह ताला आपके साथ है, तो फिर कोई क्या आप क्या कर सकते हैं, तो जिल्लो मिंतशा हो तो इज्जो मिंतशा हो। अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में इज्जत लिखी है, जितने मर्जी लोग आपकी आपको बेइज्जत करना चाहें, आपको आपकी आपको पीछे छोड़ना चाहें, आपकी टांगें खींचना चाहें, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इंपॉर्टेंटली डॉक्टर नॉर्मन ने 1953 में ये बात अपनी किताब में लिखी, इसने जिक्र तो अपने खुदा का किया हुआ, क्राइस्ट का किया हुआ, लेकिन एग्जैक्टली यही बात हमारे ईमान का हिस्सा भी है, ये हमें भी देखना है। और मेरा ख्याल है पहले चैप्टर में तो बात, अगर आप इकबाल को पढ़ें तो पहले चैप्टर में 1953 में और 1940 की दिहाई में इकबाल भी यही बातें कर रहे थे, खुद ही की बातें कर रहे थे। और मैं चाहूंगा कि मैं आखिर में एक शेर भी जिक्र करूंगा इकबाल का, जो इस पे ज़ुल्फ़िकार इज़मी सवाल पूछे, सर क्या सर सही कह रहे हैं आप सारी बातें, बट हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो आगे इंक्रीज नहीं होने देते, मैं हमें मोटिवेट नहीं करते, उनको उनको समझो कहते हैं पागल हो गए, तुम नहीं कर सकते। यार दिस इज, ये हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी बीमारी है, जो लोग आपको ये कहते हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते। मुझे भी एक जमाने में कहा था भाई तुम पीएचडी नहीं कर सकते, खुदा की कसम मुझे बहुत कुछ कहा गया है कि तुम नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो जाओगे ये करोगे तो। अच्छा, वो आपने क्या करना है कि आपने उस नहीं कर सकते को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाना है, उसी को आपने सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाना है। जब तक आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आप पे एतमाद नहीं करते, यकीन करें मैं आपको अपने तजर्बे से कहूँ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ऐसे लोगों का 5 साल 10 साल के बाद शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आप पे एतमाद नहीं करते थे, जो आपको किसी काबिल नहीं समझते थे। मैं अब समझता हूँ कि मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ये समझते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक जमाने में था ऐसा, हर दफा नहीं था, लेकिन वो खुद लोग छोड़ जाते हैं आपका साथ, बिकॉज दे फील के आप उनके बराबर नहीं रहे, आप उनसे आगे निकल गए। सर कोई उर्दू वाली मोटिवेशन बुक्स रेफर कर दीजिए, उर्दू में कम काम है। अच्छा, मैं वैसे एक काम सोच रहा हूँ, इस तरह की जो शुरा आफाक किताबें हैं इनका तर्जुमा करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर करना शुरू कर दूँ आप दोस्तों के साथ, फैंस के साथ, ताकि आप लोग पढ़ें और जितना आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उसका फ़ायदा उठाएं। एक तो तरीका ये है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, वीडियोज़ में समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है और ज़्यादा असरअंदाज होता है आपकी लाइफ पे एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, जो मोनोलॉग आपको नजर आएगा। इसमें मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। और इसमें इकबाल ने कहा है, एक बड़ा मशहूर शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 1940s में इकबाल एग्जैक्टली सेल्फ पे बात कर रहे थे, खुद ही पे बात कर रहे थे। इसको अक्सर लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से इसका तर्जमा किया है, ईगो भी कहा है, इसको सेल्फनेस भी कहा है, लेकिन आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज, ये जो जिसकी बात करें डॉक्टर नॉर्मन भी जो बात करें अबाउट, इट इज समथिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। इसके अलावा जी लामा इकबाल कहते हैं, मैं इस पर ख़त्म करूंगा, द
ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, अपने आप को ढूंढें, अपने आप को डिस्कवर करें। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूं मैं अपने आप, ढूंढता फिरता हूं मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। इससे बेहतर और क्या मैं आपको बताऊं, इससे अच्छी और बात नहीं है। डॉक्टर नॉर्मन ने कहा, और इस इकबाल के शेर पे मैं अपनी इस वीडियो को खत्म करूंगा और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया सुनने का, इसी तरह प्लीज शेयर करते रहें, सवाल पूछते रहें ताकि मैं भी आपसे सीखूं और आप भी मुझसे सीखें। अल्लाह हाफिज़।